हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कैन आई टीच यू। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम सभी लोग ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था और कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे, उसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। और जिसने भी पिछले लेक्चर को नहीं देखा, प्लीज़ पिछले लेक्चर को देख लें ताकि आज का लेक्चर आसानी से आप समझ सकें। क्वेश्चन आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, फॉर द एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। एक एपी की सीरीज दी हुई है, कह रहे हैं कॉमन डिफरेंस बताइए और फर्स्ट टर्म बताइए। जैसे कि हम लोगों को पता है फर्स्ट टर्म किसे कहते हैं, फर्स्ट टर्म हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ये भी ए से ही कह रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म किसे कहते हैं, जो फर्स्ट नंबर होगा सीरीज का उसे क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म। तो इसका फर्स्ट नंबर क्या है, ए इक्वल टू क्या होगा, ए इज इक्वल टू 3/2। फर्स्ट टर्म क्या है सीरीज का, 3/2। अब कॉमन डिफरेंस हम लोग किस तरह से निकालते हैं, देखिए डी इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, है ना, द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर, यानी कि सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो क्या आएगा देखते हैं हम लोग, सेकेंड क्या है 1/2 सेकेंड टर्म, और फर्स्ट टर्म क्या है 3/2 प्लस का है, तो प्लस लिखेंगे, प्लस का 3/2। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे बिल्कुल आसानी से, ये हम लोगों को आता आएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं, 2 एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेते हैंगे और डिनोमिनेटर, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या आएगा, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते आएंगे, जो भी आएगा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से 1 को 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। तो डी इक्वल टू क्या आएगा, 3 में से 1 जाएंगे, माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या मिला हम लोगों को, -1। कितना मिल रहा है, डी क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस कितना मिला हम लोगों को, डी इज इक्वल टू -1/2। डी की वैल्यू क्या मिली है, -1। डी की वैल्यू -1 मिली है, यानी कि इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, -1, ठीक है, क्लियर है ये। एक चीज और देख लें इसमें, जैसे हम लोगों ने इसका निकाला है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो आप थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म का भी निकाल सकते हैं और फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म का, सभी का क्या आएगा, -1। देखिए ये -1/2, थर्ड टर्म माइनस फर्स्ट सेकेंड टर्म करेंगे तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म -1/2, फिर इसे भी -1/2 रखेंगे तो -1/2 और -1/2 माइनस माइनस में रहेंगे तो ऐड हो जाएंगे, आधा और आधा कितना होता है, एक होता है, लेकिन साइन कौन सा है, माइनस का, तो -1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, पढ़िए क्वेश्चन बोर्ड पर, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी, राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स। कह रहे हैं ये चार ऑप्शन दिए, इनमें से कौन से एपी हैं, और अगर कोई एपी है तो उनके नेक्स्ट टू टर्म्स भी बताइए। इनमें से चार में से कोई एक या दो भी हो सकते हैं एपी हैं, और उनके नेक्स्ट टू टर्म्स भी बताना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहला वाला सॉल्व करेंगे हम लोग, फर्स्ट वाला क्या है, 4, 10, 16, 22। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन की सीरीज दी है, क्या करना हम लोगों को बताना है, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे चेक करने के, एपी चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो चलिए कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं इनका, डी इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर, है ना, कॉमन डिफरेंस किसे कहते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो डी इक्वल टू सेकेंड टर्म क्या है, 10 है, माइनस फर्स्ट टर्म क्या है, 4, तो डी इक्वल टू क्या आया, 6 आया। इसे पहले वाले
इसे हम लोग D1 कह दे रहे हैं, ठीक है। अगला वाला जो आएगा उसे D2 कह देंगे। तो चलिए D2 निकाल ले रहे हैं। कॉमन डिफरेंस अगर सेम होगा तो D1 D2 इक्वल हो जाएंगे, अगर सेम नहीं होगा तो ये AP में नहीं होंगे, क्योंकि कॉमन डिफरेंस किसे कह रहे हैं हम लोग, वो कांस्टेंट नंबर जिससे ये AP इंक्रीज करेगी। अगर ये AP कांस्टेंट नंबर से इंक्रीज नहीं कर रही है तो ये मतलब AP में ही नहीं ना, ठीक है। तो चलिए कॉमन डिफरेंस निकालते हैं अगले टर्म्स का, T3 माइनस T2। तो D2 इक्वल टू T3 क्या है यहाँ, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म क्या है 16 और सेकेंड टर्म 10 है। तो D2 क्या आएगा इक्वल टू 6, D2 क्या आया 6 आया, यानी कि इनके इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है, इनके इनके भी बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है इनके और इनके बीच का। अब अगला हम लोग ऐसे ही देख लेंगे, 22 में से 16 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, यानी कि D3 भी 6 आया। इनका कॉमन डिफरेंस क्या मिल रहा है 6 6 6, सभी का कॉमन डिफरेंस क्या है 6 आएगा, है ना, सभी का कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी कि ये क्या है AP में है। अगला टर्म हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इस वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। तो चलिए ऐड करते हैं, कितना ऐड करना है 6, कॉमन डिफरेंस क्या आया 6 आया है, तो 6 ऐड करेंगे 22 में क्या मिलेगा 28। अब अगले में ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस तो कौन सा टर्म मिलेगा, अगला सेकेंड टर्म, फर्स्ट नेक्स्ट टू टर्म्स बोल रहे थे, तो क्या ऐड करेंगे तो क्या आएगा 34, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है ये। चलिए अगली AP देखते हैं, ये आप नोट कर लें, इसे समझ गए होंगे आप लोग। सबसे पहले क्या हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन को उतार लिया, कॉमन डिफरेंस निकाला, कॉमन डिफरेंस निकाल कर क्या करते हैं हम लोग, कॉमन डिफरेंस निकाल कर क्या करते हैं हम लोग, लास्ट वाले टर्म में जितना भी कॉमन डिफरेंस आता है उसे ऐड कर देते हैं। लास्ट टर्म में लास्ट टर्म क्या था 22, तो उसमें कॉमन डिफरेंस 6 ऐड किया तो क्या आया 28, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस 6 आया तो कॉमन डिफरेंस को लास्ट वाले टर्म में ऐड किया तो नेक्स्ट टर्म मिल गया। उसी तरह अब लास्ट टर्म ये हो गया, इसमें ऐड करेंगे 6 तो क्या मिलेगा 34, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग, नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन सेकेंड क्या है 1, -1, -3, -5, ठीक है। ये सीरीज दी है, इसका हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट टू टर्म भी बताएंगे, अगर AP में होगा तो, नहीं होगा तो कोई बात नहीं छोड़ देंगे इसे यहीं पर। इनका क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालना सभी को आता है, क्या करना होता है D इक्वल टू T2 माइनस T1, तो D इक्वल टू क्या है T2 क्या है -1 और ये वाला माइनस और 1, तो D इक्वल टू -2 आया, ठीक है। अब अगला टर्म निकालेंगे, इनका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे इन दोनों के बीच का। अब क्या करेंगे D इक्वल टू T3 माइनस T2, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, D इक्वल टू T3 क्या है -3 और ये सेकेंड टर्म क्या है -1, माइनस ये ऐसे ही लगाएंगे और ब्रैकेट में -1, ठीक है। D इक्वल टू -3 और +1 क्या हो जाएगा -2, ये -3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है। अब -3 में से +1 जाएगा तो -2। अब इनका निकाल लेते हैं हम लोग, कॉमन डिफरेंस इनका भी निकाल लेंगे, D इक्वल टू फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, D इक्वल टू फोर्थ टर्म क्या है -5 है और फोर्थ टर्म क्या है -5 और ये भी क्या है -3, तो D इक्वल टू ये फिर से जिस तरह इसमें किया माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 3 माइनस का 5, -5 में से +3 जाएंगे तो क्या आएगा -2। इनका कॉमन डिफरेंस क्या मिला हम लोगों को -2,
अब नेक्स्ट टू टर्म्स कैसे मिलेगा? लास्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा? नेक्स्ट टर्म। तो लास्ट टर्म क्या है? माइनस फाइव। कॉमन डिफरेंस क्या है? माइनस टू। तो माइनस टू इसमें ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को? माइनस सेवन। अब अगला टर्म चाहिए। नेक्स्ट टर्म क्या मिला फाइव के बाद? सेवन मिला। कौन सा? माइनस का सेवन। अब क्या करेंगे? सेवन में भी माइनस टू ऐड कर देंगे। कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैंगे तो क्या मिलता है? नेक्स्ट टर्म मिलता है। तो अगला टर्म क्या होगा? माइनस सेवन में माइनस टू ऐड करेंगे, माइनस नाइन। समझ गए ये बात? क्लियर है? चलिए अगला ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग। इसे मिटा देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, थर्ड वाला। माइनस टू, टू माइनस टू। ये सीरीज दी है, बता रहे हैं ये एपी में, कह रहे हैं ये एपी में है या नहीं है तो बताएंगे। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, एपी में होगा तो इनके नेक्स्ट टर्म भी निकालेंगे, अगर एपी में नहीं होता है तो इनके नेक्स्ट टर्म नहीं निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर, टू माइनस, उसी तरह करेंगे हम लोग बेसिक मेथड से, टी टू माइनस टी वन, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डी इक्वल टू टू, डी इक्वल टू टू माइनस और माइनस का टू, ये वाला माइनस ऐसा ही होता रहा, ये माइनस टू लिख दिया, ठीक है। डी इक्वल टू क्या आया? प्लस का फोर। कैसे प्लस का फोर आया? ये प्लस टू है और माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा? प्लस टू। तो टू और टू फोर हो गया, ठीक है। अगला निकालते हैं हम लोग, डी इज इक्वल टू टी थ्री माइनस टी टू। कॉमन डिफरेंस निकाल लें, पहले इनके बीच का निकाला, अब इनके बीच का निकालेंगे। क्या करेंगे अब? डी इक्वल टू टी थ्री क्या है? टी थ्री देख लें आप भी, माइनस थ्री है, माइनस टू है, माइनस टू। देखिए एक बार, टी थ्री क्या दिए? माइनस टू और ये वाला माइनस साइन ऐसा ही, और ये प्लस टू, प्लस टू दिया था ऐसे ही उतार दिया। तो क्या करेंगे अब? माइनस और माइनस ऐड हो जाएंगे तो माइनस फोर हो जाएगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। एक बार इंक्रीज हुआ है, उसके बाद देखिए माइनस फोर, यानी कि फोर टर्म्स डिक्रीज कर गया है ना, फोर नंबर्स डिक्रीज कर गए हैं। तो क्या ये एपी है? एपी में नहीं है ये, तो ये एपी में नहीं है और ये तो साफ साफ दिख रहा है एपी में नहीं है। एक पैटर्न में इंक्रीज करना चाहिए, क्या ये एक पैटर्न में इंक्रीज कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो ये एपी में नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन। फाइंड द टेंथ टर्म ऑफ एपी, टू सेवन ट्वेल्व, टू सेवन ट्वेल्व की एपी दी हुई है, ये सीरीज दी है एपी की जिसमें नंबर्स हैं टू सेवन ट्वेल्व। कह रहे हैं फाइंड द टेंथ टर्म ऑफ एपी, इस सीरीज का दसवां पद बताना है, यानी कि टेंथ टर्म बताना है हम लोग को। तो क्या करेंगे हम लोग? ये हम लोग कॉन्सेप्ट कल पढ़ चुके हैं, तो क्या करना है हम लोगों को? फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये फॉर्मूला कल हम लोगों ने पढ़ा था, आज इसे अप्लाई करेंगे। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम लोग टेंथ टर्म निकालेंगे, ठीक है। ये सीरीज दी है, कह रहे हैं इसका दसवां पद बताइए। तो क्या करेंगे हम लोग? कह रहे हैं एन की जगह क्या रखेंगे? एन इक्वल टू टेन, दसवां पद पूछ रहे हैं ना, एन क्या है? एनथ टर्म, जो सा टर्म बोलेंगे एन की जगह वो रखेंगे। यहाँ पर टेंथ टर्म बोल रहे थे तो एन इक्वल टू टेन है, और फर्स्ट टर्म क्या है हम लोगों को पता है। इस देखिए इस फॉर्मूले में देखिए हम लोगों को क्या क्या ज़रूरत है, ए की ज़रूरत है, एन की है और डी की है। इस फॉर्मूले में कोई एक चीज़ पूछेगा, बाकी सारी चीज़ें दी होंगी। इस फॉर्मूले से हम लोग सारी चीज़ें निकाल लेंगे, ठीक है। कभी डी दिया, कभी डी दिया होगा, कभी एन दिए होंगे, ए दिए होंगे, या कभी एनथ टर्म दिया होगा, ए दिया होगा, एन दिया होगा, डी पूछ लेंगे, ठीक है। इसी तरह से अभी क्या पूछा है,
टेनथ टर्म, यानी कि इसे हम लोग एनथ टर्म बोल रहे हैं। अब इसी को निकालना है, इसे हम लोग क्या करेंगे अब देखते हैं। चलिए ए क्या है, टू, फर्स्ट टर्म क्या है हम लोगों का, टू है, और कॉमन डिफरेंस डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस किस तरह निकालते हैं, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स यानी कि सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड टर्म क्या है सेवन है, माइनस टू, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेवन में से टू जाएंगे तो क्या आएगा फाइव आएगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या मिला हम लोगों को, d इक्वल टू फाइव। अब अप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पर t n की, n की डिग्री क्या अप्लाई करना है टेन, इक्वल टू दसवां पद पूछ रहे हैं ना, तो दस रख दिया। a की डिग्री क्या आप रखेंगे पुट करेंगे टू, प्लस n की डिग्री क्या पुट करेंगे टेन, माइनस वन इसी तरह, और d क्या मिला है फाइव। अब आसानी से आप लोग इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, बिल्कुल आसान है। देखिए टू प्लस टेन में से माइनस वन जाएंगे नाइन आएगा, और ये फाइव है ठीक है, फाइव का नाइन में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा फोर्टी फाइव, टू इसी तरह इक्वल टू टी टेन, टी टेन इक्वल टू टू प्लस फोर्टी फाइव फोर्टी सेवन। तो आंसर क्या मिला हम लोगों को, टी टेन इक्वल टू फोर्टी सेवन। एक बार और क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग, रीड करते हैं। फाइंड द टेंथ टर्म ऑफ ए पी, ये ए पी, ए पी की सीरीज दी है, बोल रहे हैं ए पी है ये, टू सेवन ट्वेल्व, आगे इसके और भी टर्म होंगे। अगला टर्म किस तरह मिलेगा हम लोगों को, इसका डी मिल चुका है हम लोगों को, इसमें क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस लास्ट वाले टर्म में ऐड कर देते हैं, प्लस फाइव कर देंगे, तो अगला टर्म क्या मिलेगा सेवनटीन, यानी कि चौथा टर्म क्या है सेवनटीन। इस तरह हम लोग बार बार ऐड करेंगे। उसके लिए इन्होंने क्या किया है, एक जनरल फार्मूला दे दिया। हम लोगों ने कल खुद इसे ड्राइव किया था, पिछले लेक्चर में खुद इसे ड्राइव किया था हम लोगों ने। तो टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये फार्मूला ड्राइव किया था, उसी फार्मूले पे आज हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया। देखिए टेंथ टर्म पूछा था, तो एन क्या है एनथ टर्म था, तो हम लोगों को अभी क्या चाहिए था टेंथ टर्म, तो ए की जगह क्या रखा फर्स्ट टर्म, और एन की जगह दिया था कौन से टर्म पूछ रहे थे टेन, तो एन की जगह टेन रखा माइनस वन, ऐसा ही डी हम लोगों ने, कॉमन डिफरेंस निकालना आता है हम लोगों को, और कॉमन डिफरेंस हम लोग ने आसानी से निकाल लिया ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस क्या मिला फाइव, फाइव डी की जगह फाइव रखा, बाकी सिंप्लीफाई कर दिया जैसा बिल्कुल आपको आसानी से करना आता है ठीक है। एक बार मैं बता दे रहा हूँ फिर भी, फाइव को नाइन से मल्टीप्लाई किया फोर्टी फाइव प्लस टू ऐसा ही, फिर इन्हें ऐड कर दिया क्या आया फोर्टी सेवन। क्लियर है ये क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही, आगे लेक्चर में हम लोग और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और नए नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग कैन आई टीच यू, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। थैंक्स अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग कैन आई टीच यू।